ઉદયપુર અમદાવાદ હાઈવે પર અકસ્માતમાં 5 લોકોના મોત થયા છે. પીપલી ગામ પાસે ટ્રક અને કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માત થયેલ કાર ગુજરાત પાસિંગની છે. જી હા, ઉદયપુર અમદાવાદ હાઈવે પર થયો છે અકસ્માત. અકસ્માતમાં 5 લોકોના મોત થયા છે. પીપલી ગામ પાસે થયો છે અકસ્માત. ટ્રક અને કાર વચ્ચે અકસ્માત થયો છે. તો ટ્રક અને કાર વચ્ચેનો અકસ્માત તમે જોઈ શકો છો. જે રીતે કારના કચ્છર ઘાણ અહીંયા બોલાઈ ગયો છે આ કારનો, તેને જોતા જ લાગે છે કે આ અકસ્માત એટલો ભયંકર હતો. તો ગુજરાત પાસિંગની આ કાર છે અને 5 લોકોના મોતના પણ સમાચાર આવી રહ્યા છે. અકસ્માતમાં 5ના મોત થયા છે. આ અંગે જ વાતચીત કરીશું. ઉદયપુરથી કપિલ શ્રીમાળી આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી કપિલ, બતાએ કે યે હાદસા કૈસે હુઆ, કબ હુઆ? अजी देखिए, आज सुबह की ये पूरी घटना है. जब गुजरात के जो ये व्यक्ति हैं, ये उदयपुर घूमकर फिर से गुजरात की ओर जा रहे थे, और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये बड़ौदा के पास के रहने वाले हैं. प्रसाद के निकट जब ये सुबह इनकी कार निकल रही थी, उस दौरान शायद चालक को झपकी लग गई, और उसके चलते जो एक ढाबे के पास रोड किनारे एक ट्रक खड़ी हुई थी, उसे पीछे से जाकर टक्कर मार दी कार ने. और हादसा इतना भीषण था जिसकी भयावहता हम तस्वीरें देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कार पूरी तरह से खत्म सी हो गई है. तो इसके अंदर 3 पुरुष 3 महिलाएं बैठी हुई थी और एक मासूम बच्ची थी. मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें 3 पुरुष और एक महिला शामिल था, जिन्होंने मौके पर दम तोड़ दिया. सूचना आसपास के लोगों ने पुलिस को दी. प्रसाद थाना पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मृतकों को, जिसमें जो मृतकों को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया, और घायलों में जिनमें 2 महिला और एक बच्ची शामिल थे, उन्हें हॉस्पिटल इलाज के लिए रेफर किया गया. अब बच्ची ने इलाज के दौरान और दम तोड़ दिया. इसके साथ ही अब मरने वालों की संख्या 5 हो गई है. तो वहीं 2 महिलाएं जो अभी घायल है, जिनका इलाज इस समय हॉस्पिटल में चल रहा है. देखिए, परिजनों को सूचना दे दी गई है और परिजन भी प्रसाद थाने के लिए गुजरात से रवाना हो गए हैं. जी, ये हादसा अंधेरे में हुआ, क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि झपकी आ गई थी और उसी दौरान हादसा हुआ. ये ट्रक शायद वो नहीं देख पाए. अंधेरे में ये हादसा हुआ था क्या? देखिए, सुबह की ये घटना है, इसका एग्जैक्ट टाइम अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन जो मॉर्निंग टाइम जो होता है, जिस समय कार मॉर्निंग टाइम में ड्राइव की जाती है, और जब देर रात से कार ड्राइविंग की जाए तो अल सुबह तक चालक को झपकी आने के पूरे चांस रहते हैं. तो शायद यही एक बड़ी वजह है कि चालक को नींद की झपकी आई और वो ट्रक को नहीं देख पाया. यही वजह थी कि उसने ट्रक को बहुत जोर से पीछे से टक्कर मारी. जिस तरह से कार की स्थिति है, उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कार बहुत ज्यादा तेज गति में जो चालक था वो चला रहा था. जी, कपिल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. તો પૂરપાટ ઝડપી આવી રહી હતી આ કાર, અને જેણે કાર ચાલક હતો તેણે કદાચ આ ટ્રકને ન જોઈ, ટ્રક ઉભેલી હતી ત્યાં અને તેની સાથે જ આ કાર અથડાઈ અને 5 લોકોના મોત થયા છે.